Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. Students, ab hum log yahan se BA Economics Honor Semester 1 Introductory Microeconomics start kar rahe hain. Hamare paas 2019-2020 batch ke liye naya syllabus aa chuka hai. Ab main aapko naye syllabus ke according batana shuru karunga humko kya kya topics padhne hain. आज की क्लास में पहले मैं आपको सिलेबस से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा और उसके बाद मैं एक टॉपिक छोटा सा आपके साथ डिस्कस करूंगा. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना. तो स्टूडेंट्स, नए सिलेबस में हमारे पास देर आर 6 यूनिट्स, 6 यूनिट्स पढ़नी है हमको. और ये जो सिलेबस है, दिस इज बेसिकली वी हैव टू स्टडी दिस सिलेबस फ्रॉम मैनकीव एंड एक और रीडिंग एड हुई है बर्नहीम एंड विंस्टन की. उसको ये कुछ टॉपिक्स हमारे सिलेबस में ऐड हुए जो हमको पढ़ने हैं. बेसिकली हमारा सिलेबस मैनकीव में से ही चलेगा जैसे पहले चलता था. ठीक है, तो देर आर 6 यूनिट्स. सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यूनिट 1 की. इट इज अबाउट इंट्रोडक्शन. यहां पे पहले हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स है क्या, माइक्रो मैक्रो में क्या डिफरेंस है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, एक और ब्रांच इकोनॉमिक्स की मैक्रो इकोनॉमिक्स वो क्या है. हम यहां पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है. हम यहां पे पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या है. हम यहां पर पढ़ेंगे ट्रेड का क्या एडवांटेज है. कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी का बड़ा बेसिक सा इंट्रोडक्शन लेंगे. कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी एक डिटेल्ड सब टॉपिक है जो कि थर्ड ईयर में जाके इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़ेंगे, मगर यहाँ छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है हमारे पास. और स्टार्टिंग में हमको पढ़ना यूनिट 1 के अंदर 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स के जो 10 बेसिक प्रिंसिपल्स है वो स्टडी करेंगे यूनिट 1 के अंदर. यूनिट 2 जो है, यूनिट 2 इज अबाउट डिमांड सप्लाई एंड इलास्टिसिटीज. डिमांड सप्लाई एंड इलास्टिसिटीज. ठीक है, यहां पे हम पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई, डिमांड कर्व क्या है, सप्लाई कर्व क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये सब चीजें यहाँ पे हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. ठीक है, लेकिन हाँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि आप स्कूल लेवल में ये टॉपिक ज्यादातर पढ़कर आते हैं. ये जो यूनिट है पूरी आप लगभग ऑलमोस्ट आप पूरी यूनिट स्कूल लेवल पढ़कर आते हैं. तो बच्चे स्कूल में इकोनॉमिक्स पढ़कर उनको आती है, जो नहीं पढ़ के उनके लिए नया सब्जेक्ट है. यूनिट 3 इज अबाउट कंज्यूमर थ्योरी. इसको यहां पर नाम दिया गया हाउसहोल्ड्स, हाउसहोल्ड्स. यूनिट 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या होता है बजट कंस्ट्रेंट, क्या होती है इंडिफरेंस कर्व, क्या होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्राइस के चेंज होने का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे क्या असर पड़ता है, इनकम के चेंज होने का क्या असर पड़ता है, इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, गिफन गुड्स क्या होते हैं, नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं. ठीक है, हम लोग डिकम्पोज करेंगे प्राइस इफेक्ट को बिटवीन इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. वहां पे दो थ्योरीज हैं. ठीक है, एक हिक्सियन थ्योरी है, एक स्लट्स्की है. हमारे कोर्स में हिक्सियन है, स्लट्स्की भी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा. समझ गए? तो ये थर्ड यूनिट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे कोर्स के लिए. सबसे ज्यादा पोर्शन एग्जामिनेशन में यूनिट 3 से आपको मिलेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है. राइट, अब यूनिट 4 के ऊपर आ जाते हैं सर. यूनिट 4 जो है यहां से मार्केट फॉर्म शुरू हो जाती हैं. द फर्म अंडर परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर, द फर्म एंड परफेक्ट मार्केट या परफेक्ट कंपटीशन. यहां पे पहले हम पढ़ेंगे रेवेन्यू मॉडल क्या है फर्म का, कैसे हम रेवेन्यू को एक्सप्रेस करते हैं, फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, प्रोडक्शन क्या है, कॉस्ट क्या है, और प्रॉफिट कैसे रिलेट करता है प्रोडक्शन से और कॉस्ट से. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट फॉर्म्स में परफेक्ट कंपटीशन एक क्या सिचुएशन है, परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट में क्या क्या फीचर्स हैं, फर्म परफेक्ट मार्केट मार्केट में कैसे ऑपरेट करती है, ये सारी बातें यहां पे हम डिस्कस करने वाले. यूनिट 5 मार्केट फॉर्म्स को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. यहां पर हम लोग मोनोपोली पढ़ेंगे, इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर. यहां पे हम पढ़ेंगे कि अगर मार्केट अगर परफेक्टली कॉम्पिटेटिव नहीं है, अगर मार्केट में इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन है तो क्या होगा, मोनोपोली है तो क्या होगा.
फर्म कैसे बिहेव करेगी, फर्म का प्रॉफिट कितना होगा, कैसे हम मेजर करेंगे फर्म के प्रॉफिटेबिलिटी को, ये सब बातें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ना सिर्फ यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी माइक्रो के कोर्स में बहुत समय तक आपके साथ चलेगी यूनिट। और लास्ट यूनिट जो है वो बेसिकली इट इज अबाउट द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। जो हम फैक्टर मार्केट्स की बात करते हैं, यहाँ पे से हम लेबर की बात करें, इनपुट मार्केट बोलते हैं जिसको, इनपुट मार्केट बोलते हैं, फैक्टर मार्केट बोलते हैं, लेबर मार्केट बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरीज की बात करते हैं, उस बारे में ये टॉपिक है। ठीक है, लेबर डिमांड क्या होती है, लेबर डिमांड को डिराइव डिमांड क्यों कहते हैं, लेबर डिमांड कर्व कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, किन फैक्टर्स पे बेस्ड है, वो सब चीजें यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हमारा जो कोर्स चल रहा है वो मैनकीव में से चल रहा है। मैनकीव लगभग हर यूनिट के अंदर है, यूनिट वन में और यूनिट थ्री में, सॉरी यूनिट टू में और यूनिट थ्री में हमारे कोर्स में उन्होंने इस बार विंस्टन की रीडिंग भी ऐड की है। यूनिट टू में एक चैप्टर ऐड किया है टू, और यूनिट थ्री में कुछ टॉपिक्स ऐड किए, चैप्टर फोर से कुछ टॉपिक्स ऐड किए हैं, चैप्टर सिक्स से कुछ टॉपिक्स ऐड किए हैं। ठीक है, तो ये एडिशन है जो हमारे साथ हुए हैं यहाँ पर सिलेबस में हुए हैं विंस्टन की रीडिंग के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी सब कुछ लगभग जैसे पहले था वैसे ही चल रहा है, कोई बहुत ज्यादा मेजर चेंज नहीं हुआ है। कुछ चीजें ऐड की गई हैं जो हमको लगा कि शायद यूनिवर्सिटी को लगा कि ये चीजें बच्चों को पढ़ानी चाहिए, उन्होंने ऐड कर दी। अब नए करिकुलम में अभी एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, लेकिन अब तक जो एग्जाम होता था उसका मैं आपको बता देता हूं। अब तक जो एग्जाम था उसमें 7 क्वेश्चंस आते थे एंड यू वर सपोज टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस, 7 आते थे, 5 करने होते थे। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता था, फर्स्ट क्वेश्चन के ऑब्वियसली 5-6 पार्ट्स होते थे, फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता था, बाकी के 6 क्वेश्चन में से एनी 4 आपको अटेम्प्ट करने होते थे। ठीक है, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं कि एग्जामिनेशन पैटर्न में कि बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, एग्जाम पैटर्न अभी भी ऐसा ही रहेगा। ये हो सकता है कि शायद फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी ना रहे, या हो सकता है रहे, चांसेस यही है कि रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें किसी भी यूनिट से वो क्वेश्चन पूछ लेता है क्योंकि कंपलसरी है, वो चाहता है कि बच्चा सभी यूनिट को स्टडी करके जाए, तो कभी किसी यूनिट से, कभी कहीं से, कभी कहीं से क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी उसमें डालता रहता है। बाकी के जो 6 क्वेश्चन बचते हैं उनमें से आप मान लीजिए 2 क्वेश्चन यूनिट 3 से आते हैं और एक एक क्वेश्चन बाकी सब यूनिट से आता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बताया था यूनिट 3 जो है वो आपके कोर्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बड़े ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे, उसमें काफी सारा समय भी खर्च होगा हमारा उसको समझने में, उसको पढ़ने में। क्लियर हो गई इतनी बात, सिलेबस क्लियर हो गया जी। अब आज की क्लास में हम लोग यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। ये जो टॉपिक है हमको मैनकीव की रीडिंग से पढ़ना है, मैनकीव में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, मैनकीव की रीडिंग में 3 चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। आज की क्लास में चैप्टर 1 में आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूं, तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो अब हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 है मैनकीव का 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ पे हम बेसिकली 10 प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स के 10 प्रिंसिपल्स क्या हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक दो बेसिक बातें हैं, स्केयरसिटी क्या है, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं यहाँ पर आपको डिक्टेट नहीं कर रहा हूं, मैंने जो चीजें हैं यहाँ पे आपके सामने लिख दी हैं, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं इसको, और जो बच्चे पढ़ते हैं उनको तो नोट्स मिलते ही हमारे पास, जो पढ़ रहे हैं उनको बुकलेट मिलती है, तो उसमें ये सब आपके पास ऑलरेडी रिटन है। सबसे पहली बात बेटे हमको इकोनॉमिक्स में समझनी है वो है स्केयरसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केयरसिटी, मतलब क्या है स्केयरसिटी का। देखिए, स्केयरसिटी मीन्स दैट सोसाइटी हैज लिमिटेड रिसोर्सेज एंड देयरफॉर कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज पीपल विश टू हैव। हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज है, वो लिमिटेड सप्लाई में है। लोग जो जो कुछ भी चाहते हैं सब कुछ हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। देखिए, हर आदमी चाहता है क्या, उसके पास एक बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, ठीक है, और बहुत सारी सुख सुविधाएं हो, हर कमरे में एसी लगा हो, टीवी लगा हो, फ्रिज हो, और ना जाने क्या क्या, आपको आजकल तो बहुत सारे गैजेट्स आते हैं, हर कोई चाहता है सब सुविधाएं हमारे पास हो। सरकार भी वादा करती है, ठीक है, हम आपकी सुविधाएं आपको देंगे, लेकिन क्या ऐसा हो पाता है, क्या सबको सब सुविधाएं मिल पाती हैं, नहीं मिल पाती है। आंसर है नो, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो पाता है रादर। क्यों? क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं वो तो अनलिमिटेड हैं, लेकिन जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है। यही मतलब है स्केयरसिटी का। सोसाइटी में वो सब लोग जो जो सारे गुड्स की इच्छा करते हैं, वो सारे गुड्स उनको प्रोवाइड नहीं किए जा सकते हैं, यही स्केयरसिटी है। जैसे
हमारे पास लिमिटेड टाइम है, दिन में 24 ही घंटे है ना, या थोड़ी दिन इनफाइनाइट समय का है। एक आदमी की एवरेज लाइफ 60 से 70 साल के बीच में है ना, ठीक है, तो टाइम लिमिटेड है। हमारे पास जो मनी है वो लिमिटेड है। हम जब छोटे होते हैं, सब लोग छोटे होते हैं, तो एक बात सोचते हैं कि सब चीज पैसे से खरीदी जाती है। कभी किसने सुना होगा पैसे का पेड़ भी होता है भाई, तो हम सोचते थे कि पेड़ ढूंढ लाएंगे जहां से पैसा तोड़ लाएंगे। फिर पता चला पैसा सरकार छापती है, तो सोचते थे भाई सरकार इतने पैसे क्यों नहीं छापती कि सबको पैसे भी दे दे। तो मनी की जब हम बात कर रहे हैं, तो हम नॉमिनल मनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम रियल टर्म्स में बात कर रहे हैं कि जो हम हमारी जो परचेजिंग पावर है वो हमारी लिमिटेड है, जो गुड्स हमने कंज्यूम करने हैं वो लिमिटेड है, हमारे पास जो लेबर है वो लिमिटेड है, हमारे पास जो टूल्स हैं वो लिमिटेड हैं, हमारे पास जो लैंड है वो लिमिटेड है, हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो लिमिटेड है। कोई देश बहुत बड़ा हो सकता है लेकिन इनफाइनाइट नहीं हो सकता है, ठीक है। किसी देश के पास ज्यादा लैंड हो सकती है लेकिन इनफाइनाइट नहीं हो सकती है। तो लैंड इनफाइनाइट नहीं है, लैंड फाइनाइट है। अब यहाँ पे दो तीन कंसेप्ट हैं बच्चों, जहां हम लोग जब आपके इकोनॉमिक्स ऑनर्स के कोर्स में डिस्कस नहीं करते, लेकिन जब मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, तो वहां पे हम डेविड रिकार्डो की बात करते हैं, तो उसने बोला था लैंड फाइनाइट है, बाद में मॉडर्न थ्योरी है उसने बोला लैंड को बढ़ाया भी जा सकता है, एक अलग कंसेप्ट हो गया वो, ठीक है। हम जैसे बिल्डिंग्स बनाते हैं, फ्लोर बनाते हैं, उससे लैंड बढ़ जाती है, वो मॉडर्न थ्योरी की बात होती है। लेकिन अभी हम बेसिक स्टार्टिंग स्टेज में खड़े हैं, तो हमारे लिए लैंड क्या है? लैंड लिमिटेड है, ठीक है। रॉ मटेरियल लिमिटेड सप्लाई में एग्जिस्ट करता है, ये तो ये सब जो रिसोर्सेज जो हमको इकोनॉमी में चाहिए काम करने के लिए सब लिमिटेड हैं। आप बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है जी, बिजनेस करके क्या कमाएंगे? प्रॉफिट, ठीक है जी। कितना प्रॉफिट कमाओगे आप चाहते हैं? अभी मैक्सिमम प्रॉफिट, अभी मैक्सिमम कितना? ज्यादा से ज्यादा कितना? ज्यादा, बहुत ज्यादा। आप लेकिन प्रॉफिट कमा पाते हैं मान लीजिए 5 करोड़ रुपए का, तो ज्यादा क्यों नहीं कमा पाए? क्योंकि आपके पास जो लेबर थी वो लिमिटेड थी, प्रोडक्शन उतना ही कर पाए इतनी लेबर थी, रॉ मटेरियल लिमिटेड था, आपके ऑफिस का स्पेस लिमिटेड है, आपकी फैक्ट्री लिमिटेड है। तो ये चीजें जो कंस्ट्रेंट्स हैं ये आप बताते हैं हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसलिए हम लिमिटेड प्रोडक्शन कर पाए। मार्केट में डिमांड लिमिटेड है, डिमांड क्यों लिमिटेड है? क्योंकि लोगों के पास खरीदने के पैसे उतने ही है, परचेसिंग पावर उनके पास उतनी ही है, ठीक है। तो ये जहां पे हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, तो ये रिस्ट्रिक्शन रिसोर्स लगती है, इसकी वजह क्या है? स्केयरसिटी। हमारे पास मैंने बता दिया इनफ रिसोर्सेज नहीं होते कि सारी हम नीड्स को पूरा कर सकें। अब यहां पर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है, हम आगे पढ़ेंगे चॉइस। जब रिसोर्सेज स्केयर हैं तो आपको रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना होता है। मान लीजिए एक आदमी की सैलरी 1 लाख रुपीज है पर मंथ, 1 लाख से वो क्या करेगा? सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले अपने लिए रहने का इंतजाम करेगा, अपने अपने फैमिली के लिए एक रहने के लिए घर का इंतजाम करेगा, अपने अपने फैमिली के लिए जो है फूड का इंतजाम करेगा, कपड़ों का इंतजाम करेगा, बच्चों के एजुकेशन का इंतजाम करेगा। पहले ये बेसिक नीड्स पूरी करेगा, उसके बाद फिर वो जो रिक्रिएशन एक्टिविटीज है उस पर उसका ध्यान जाएगा। अगर पैसे अब बच रहे हैं मेरे पास, तो अब मैं इन बचे हुए पैसों को रिक्रिएशन में कुछ हिस्सा लगाऊंगा। फिर कुछ उसको समझ आएगी मेरा भविष्य जो है, हो सकता है मैं भविष्य में पैसे ना कमा पाऊं, आज तो कमा पा रहा हूं, भविष्य में हो सकता है ना कमा पाऊं, तो उसको भविष्य की चिंता सताएगी, तो उसके लिए वो कुछ पैसे वो सेव भी करना चाहेगा, कुछ पैसे मैं बचा लेता हूँ, सेविंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो स्केयरसिटी की प्रॉब्लम है, ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है, दिस इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। मैंने लिखा है प्रॉब्लम स्केयरसिटी इज रिगार्डेड एज अ फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम द फैक्ट दैट रिसोर्सेज आर फाइनाइट, सोसाइटीज डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज इनफाइनाइट। एक इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि जो स्केयरसिटी है ये एक रिलेटिव कंसेप्ट है, रिलेटिव इन रिलेशन टू ईच अदर, वन अनदर। देखिए हमारे लिए, मैं एक एग्जांपल से बात बोलता हूं, हमारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है, डायमंड्स या वाटर? ज्यादा जरूरी क्या है, हीरे ज्यादा जरूरी है या पानी ज्यादा जरूरी है? इस अब तो साइंस में आप देखिए यूट्यूब पे तो भरा पड़ा है, ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जहां बहुत डायमंड्स हैं, बहुत डायमंड्स हैं, लेकिन नासा या इसरो जो भी स्पेस एजेंसीज हैं वो डायमंड्स नहीं ढूंढने जा रही स्पेस में, वो क्या ढूंढने जा रही हैं? पानी कहाँ है? ऐसा कौन सा प्लेनेट है अर्थ के अलावा जहां पानी है? क्योंकि जहां पानी है वहां लाइफ हो सकती है। तो लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर? वाटर। डायमंड्स आर नॉट एज इंपॉर्टेंट, रादर डायमंड्स आर नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल, ठीक है। डायमंड्स नहीं भी होते तो हम शायद हमको फर्क नहीं पड़ता कोई भी, लेकिन पानी के बिना तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, ठीक है। एक ग्लास पानी और एक ग्लास हीरे, कौन महंगा है सर? कौन महंगा है? एक ग्लास पानी महंगा है या एक ग्लास डायमंड? एक ग्लास में अगर डायमंड भर दिया जाए और एक ग्लास में पानी भर दिया जाए, वो पानी जिसके बिना इंसान जी नहीं सकता, वो
वो महंगा है या वो डायमंड्स जिससे इसके ना होने से हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो महंगा है? आप जानते हैं डायमंड्स महंगे, इस बात को आप जानते हैं डायमंड्स महंगे, तो ऐसा क्यों है? वो पानी जिसके बिना हम जी नहीं सकते वो महंगा नहीं है, और वो डायमंड जिसके ना होने से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता वो महंगा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है स्केयरसिटी इज रिलेटिव। स्केयरसिटी इज रिलेटिव, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। जो ज्यादा स्केयर है वो ज्यादा महंगा है, जो ज्यादा अबंडेंट है वो सस्ता है। जो प्राइसिंग होती है वो स्केयरसिटी के बेसिस पर ही होती है। जो गुड्स स्केयर हैं, लिमिटेड सप्लाई में हैं, वो महंगे हो जाते हैं, और जो गुड्स सस्ते हैं वो सस्ते हो जाते हैं। ठीक है, एक बात और भी है, स्केयरसिटी जो है वो सब जगह इक्वल नहीं है। कुछ जगहों पे स्केयरसिटी ज्यादा है, कुछ जगहों पे स्केयरसिटी कम है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर बहुत नदियां ही नदियां हैं, नदियों के देश हैं, जहां पानी की कमी नहीं हो सकती, और कुछ इलाके ऐसे हैं जो रेगिस्तान हैं, वहां पानी होता ही नहीं है, जहां बहुत दूर दूर से लोगों को पानी लेकर आना पड़ता है। तो ये भी एक रिलेटिव कंसेप्ट है कि जो गुड्स है उनकी स्केसिटी रिलेटिव इन द सेंस ऑफ प्लेस भी है, कि कुछ जगहों पे स्केसिटी ज्यादा है, कुछ जगहों पे स्केसिटी कम है। ठीक है, और ऐसे भी हम रिलेशन में कंपैरिजन करते हैं, कुछ गुड्स ज्यादा स्केयर हैं, कुछ गुड्स कम स्केयर हैं। जो ज्यादा स्केयर हैं वो ज्यादा महंगे हैं, जो कम स्केयर हैं वो सस्ते हैं रिलेटिवली। समझ गए इतनी बात? ठीक है जी, तो ये कंसेप्ट किस बात का हुआ? स्केयरसिटी का पहला कंसेप्ट हो गया जी। इसको आप यहां सर वीडियो पॉज करके यहां से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब अगला कंसेप्ट ये आता है सर कि ये इकोनॉमिक्स क्या है? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी मैनेजेस इट्स रिसोर्सेस। सोसाइटी अपने रिसोर्सेस को कैसे मैनेज करती है? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी दैट हाउ पीपल अर्न देयर लिविंग एंड हाउ दे स्पेंड इट। लोग अपनी लिविंग को कैसे कमाते हैं और कैसे खर्च करते हैं, लोग स्केयर रिसोर्सेस को कैसे मैनेज करते हैं, इसकी स्टडी को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे खर्च किया जाता है, इसकी स्टडी को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। रिसोर्सेस केयर है, मैंने अभी बताया, उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। हर रिसोर्स का बहुत सारा अलग अलग तरह का यूज हो सकता है। एक रिसोर्स है आपके पास, उस रिसोर्स के बहुत सारे, आपके पास मान लीजिए 10,000 रुपए, उस 10,000 रुपए से आप क्या क्या कर सकते हैं? उस 10,000 रुपए से आप फूड खरीद सकते हैं, उस 10,000 रुपए से आप अपने लिए नए कपड़े खरीद सकते हैं, उस 10,000 रुपए से आप एक मोबाइल फोन खरीद सकते हैं, उस 10,000 रुपए से आप एक जो छोटा मिनी जो लैपटॉप आता है, छोटा सा जो आता है, मतलब बहुत बेसिक फीचर्स वाला, वो भी खरीद सकते हैं। उस 10,000 रुपए से आप घूमने जा सकते हैं आसपास किसी इलाके पे, उस 10,000 रुपए को आप सेव कर सकते हैं। तो उस 10,000 के बहुत सारे यूजेस हैं। आपके पास 10,000 रुपए हैं और नहीं है, ठीक है, अब उस 10,000 के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी दैट हाउ यू यूज योर स्केयर रिसोर्स। इकोनॉमिक सोसाइटी अपने स्केयर रिसोर्सेस को कैसे इस्तेमाल करती है, ये इकोनॉमिक्स है। और वो स्केयर रिसोर्सेस जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो इट इज अ सोशल साइंस कंसर्न विद द प्रोडक्शन। गुड्स का प्रोडक्शन कैसे होता है, कंसर्न विद प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, प्रोड्यूस करने के बाद वो लोगों में बांटे कैसे जाते हैं। एंड कंजम्पशन, उन गुड्स का कंजम्पशन कैसे होता है, कौन कौन कितना कंज्यूम कर पाता है। तो सोशल साइंस है जहां पे हम ये स्टडी करते हैं, गुड्स का प्रोडक्शन कैसे होता है, गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, गुड्स का कंजम्पशन कैसे होता है, तीन बातें स्टडी करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ी पहले बताया था हम लोग यहां पर, क्योंकि स्केयर रिसोर्सेज हमको चॉइस करना होता है, इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ चॉइस, कि लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं। ये एक बड़े लंबे समय तक आप इस बात को पढ़ते रहेंगे, देखिए माइक्रो में भी और कुछ और ब्रांचेस में भी आप पढ़ते रहेंगे कैसे आपको डिसीजन मेकिंग करनी है। देखो समझो, आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हो, आपने फैसला किया 12th के बाद कि मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स करूंगा। अपने साथियों को स्कूल में जो आपके साथ पढ़ते थे, 10th क्लास तक आपके साथ पढ़े, कुछ 12th में आए, कुछ लोग 10th के बाद ही स्कूल छोड़ के चले गए होंगे, आज उन सब साथ, आज के पास आजकल तो सुख सुविधाएं हैं, सबके पास सबके फोन नंबर होते ही हैं, उनको जरा एक बार सबको फोन करना, वो क्या क्या कर रहे हैं। कोई उनमें से ऐसा भी आपको जरूर मिलेगा जो बोलेगा कि अब मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूं, मैं अपने पापा के साथ दुकान पे जाता हूं, मैं अब ये काम धंधे में लग गया हूं, बिजनेस करने लग गया हूं, मैं अब ये काम करता हूं, एजुकेशन बस मैंने ले लिया, 12th तक मैंने पढ़ना था पढ़ लिया, अब इसके आगे एजुकेशन में नहीं कर रहा हूं। अब 12th करने के बाद आपने एक फैसला लिया था कि मुझको यहां से आगे फर्दर एजुकेशन के लिए जाना है, किसी दूसरे ने भी फैसला लिया कि मुझे और आगे एजुकेशन के लिए नहीं जाना, अब मुझे पैसा कमाने जाना है। तो हम जब, क्योंकि टाइम तो मैंने बताया था टाइम लिमिटेड है,
टाइम तो, अगर आप कॉलेज में एजुकेशन के लिए आ रहे हैं तो आप जॉब पे नहीं जा सकते, और जो जॉब पे जा रहे हैं वो कॉलेज एजुकेशन के लिए नहीं आ सकते, तो टाइम तो लिमिटेड है। आपको एक फैसला करना है कि इस लिमिटेड टाइम को आप कैसे यूज करेंगे। आप इस लिमिटेड टाइम को कॉलेज एजुकेशन के लिए यूज करेंगे, आप इस लिमिटेड टाइम को कहीं जॉब करने के लिए यूज करेंगे, आप इस लिमिटेड टाइम को अपना कोई बिजनेस खड़ा करने के लिए यूज करेंगे। घर पे आराम भी कर सकते हैं, कुछ नहीं कर रहे जी, ना कहीं जॉब पे जा रहे हैं, ना किसी बिजनेस में जा रहे हैं, ना कहीं एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, घर पे आराम कर रहे हैं। बहुत 12 साल मैंने बहुत मशक्कत करी स्कूल के अंदर, अब मैं साल 2 साल आराम करना चाहता हूँ, घर पे बैठना चाहता हूँ। ऐसा भी कोई हो सकता है इसने फैसला किया हो। तो इकोनॉमिक्स इसी का नाम है। ये हम जो चॉइसेस हैं हमारे सामने, कैसे हम चॉइस करते हैं अपने स्केयर रिसोर्सेज की एलोकेशन की, कैसे हम उसको यूज करते हैं एलोकेशन को, वही उसी की स्टडी को बोलते हैं क्या, इकोनॉमिक्स। बहुत सारे फैसले आप दिन भर में करते हैं, बहुत सारे फैसले करते हैं जिनके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन है। पहली इम्प्लीकेशन ये है सर कि मैं आज कितना काम करूंगा, कितने आवर्स मैं आज अपनी प्रोडक्टिविटी करूंगा, कितने घंटे मुझे काम करना है, ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है। कुछ लोग कहेंगे सर वो तो ऑफिस टाइम फिक्स होता है, ठीक है, जिनका ऑफिस टाइम फिक्स है उनको तो फिक्स है, जिनका फिक्स नहीं है उनका, एक आदमी जो रिक्शा चलाता है वो उसको फैसला करना है ना कि आज वो कितने घंटे के लिए काम करेगा। एक आदमी जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसको फैसला करना है कि आज कितने टाइम तक वो अपना वर्क करेगा, कितने उस कितने समय के बाद वो अपने घर चला जाएगा आराम करने के लिए, ठीक है। आपको फैसला करना है कि जो पैसे आपके पास है उसको आप कहां खर्च करेंगे। मैंने बताया अभी आपको 10,000 रुपये का एग्जाम्पल दिया था, कहां खर्च करेंगे उस पैसे को। आपको फैसला करना है कि आप डिनर करने कहां जा रहे हैं आज। आपको फैसला करना है कि क्या ये मूवी देखने आपको जाना है या नहीं जाना है। इन सब के इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस हैं, इन सब के इकोनॉमिक रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो ये सब जो फैसले हम लोग करते हैं, और मैं अभी बताऊंगा, हम ये मान के चलते हैं कि हर आदमी जो है वो रैशनल है। मैं अभी थोड़ा सा आगे चल के 10 प्रिंसिपल्स की जब बात करूंगा वहां पे बताऊंगा हर आदमी रैशनल है। रैशनैलिटी का मतलब ये है कि हर आदमी ऐसे ही फैसला हवा में तीर मार के नहीं ले लेगा, वो सोचेगा मेरे लिए जो इन सब ये सारे जो ऑल्टरनेटिव हैं जो मेरे सामने 10,000 मेरे पास है, इनमें से मैं इन 10,000 को अलग जगह खर्च कर सकता हूं, तो वो कौन सा यूज है जिससे मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसको डिसाइड करना, यही इकोनॉमिक्स है। उसको डिसाइड करने की स्टडी को ही बोलते हैं क्या, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी दैट हाउ पीपल अर्न देयर लिविंग एंड हाउ दे स्पेंड इट, कैसे लोग पैसा कमाते हैं और कैसे खर्च करते हैं। और अगर हम जब मैक्रो लेवल पे बोलते हैं, एक तो ये माइक्रो बात होगी, हम पढ़ेंगे अभी थोड़ा सा आगे जाके, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच होती है, एक ब्रांच मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। हम मैक्रो लेवल पे देखते हैं कि नेशनल लेवल पर इकॉनमी एज ए होल के लेवल पर हमारी इकॉनमी का ग्रोथ रेट क्या है। आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे आपको अक्सर नजर आएगा ग्रोथ रेट के ऊपर बहस चल रही है, इंडिया की ग्रोथ रेट 7% है, नहीं जी 6% है, कोई बोलेगा नहीं 5.5% ही है, झूठ बोल रही है सरकार, कोई बोलेगा नहीं 7% के भी ऊपर है। तो इकोनॉमिक्स में पहला हमारा चिंतन क्या है, हमारी चिंता की वजह क्या है कि हमारी इकॉनमी का ग्रोथ रेट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, ऐसे कितने लोग हैं जो काम करना चाहते हैं मगर उनको काम नहीं मिल रहा है, अनएम्प्लॉयड हैं वो लोग जो मार्केट में प्रिवेलिंग वेज रेट पे काम करना चाहते हैं उनको काम नहीं मिल रहा है, वो अनएम्प्लॉयड है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, प्राइसेस किस रेट से चेंज हो रहे हैं जिसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन रेट क्या है। तो ये तीन मेजर हमारे इश्यूज है जिसको हम जिसको लेकर हम हमेशा चिंता में रहते हैं, हम मतलब इकोनॉमिस्ट हमेशा जिसको लेकर चिंता में रहते हैं कि ये कंट्रोल में रहने चाहिए। हमारी इकॉनमी का, फिर से बोल रहा हूं, हमारी इकॉनमी का ग्रोथ रेट क्या है, किस रेट से हमारी इकॉनमी ग्रो कर रही है। दूसरी बात, हमारी इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। तीसरी बात, हमारी इकॉनमी में इन्फ्लेशन रेट क्या है। अब और भी नए आयाम, नए एस्पेक्ट जुड़ जाते हैं। एक्सचेंज रेट क्या है, आप सुनते डॉलर महंगा हो गया, रुपी, आप कोई बच्चे जो हिंदी अखबार पढ़ते होंगे तो उसमें हिंदी अखबार में बड़ी जबरदस्त हेडलाइंस आती हैं, रुपया लुढ़का, ठीक है, डॉलर तेज। अब इन सब के मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो इंडियन करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले वीक हो रही है। जब वो लिखते हैं रुपया लुढ़का तो इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, रुपी डेप्रिशिएट्स, रुपी की जो वैल्यू है वो कम हो रही है। ये भी हमारे लिए चिंता की बात है। हम इकोनॉमिक्स में ये भी स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक्स ये भी स्टडी करते हैं इकोनॉमिस्ट्स के एक्सचेंज रेट क्या है, उसको किस डायरेक्शन में और कितना मूव कराना चाहिए, ये भी हमारी स्टडी का पार्ट है। ये सब हम ग्रेजुअली धीरे 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 आपके इकोनॉमिक्स ऑनर्स के कोर्स के दौरान ये चीजें अनफोल्ड होंगी, ये सब बातें आपके डिस्कशन के अंदर आएंगी। समझ गए बात को, राइट। तो माइक्रो लेवल पे हम देखते हैं कि लोगों के पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। माइक्रो लेवल पे हम देखते हैं कि लोग उन रिसोर्सेज से कैसे चॉइस करते हैं, कैसे उन रिसोर्सेज को एलोकेट यूज करते हैं, कैसे उनको कंज्यूम करते हैं।
मैक्रो लेवल पे हम देखते हैं कि इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे हो रही है, हम देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ जा रहा है, हम देखते हैं इन्फ्लेशन रेट कहाँ जा रहा है, हम स्टडी करते हैं कि एक्सचेंज रेट कहाँ जा रहा है। तो इकोनॉमिक्स में ये सारी बातें, इन सब की स्टडी को ही बोलते हैं इकोनॉमिक्स, और जो इन सबको स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं इकोनॉमिस्ट, जिसकी राह, जिसको बनने की राह पर आप लोग चल पड़े हैं, निकल पड़े हैं। ठीक है, तो बेसिक बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है जी क्या है इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब यहां से आगे हम लोग 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। क्या है 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो बच्चों प्रिंसिपल्स क्या है, अब हम पढ़ने वाले हैं यहां पे 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, एक एक करके मैं आपको डिस्कस करता हूं सब प्रिंसिपल्स को। ये बहुत बेसिक बातें हैं, फंडामेंटल बातें इकोनॉमिक्स की, जो हमको जरूर मालूम होनी चाहिए, या जो हम बार बार जिनको यूज करते रहेंगे, बाद में आगे पढ़ते हुए हमारे लिए ऐसे हो जाएगा जैसे 1+1=2 होता है, हमको लिए हमारे लिए बहुत ऑब्वियस चीजें हो जाएंगी, मगर अभी स्टार्टिंग स्टेज पे हम लोग इसको फोकस करके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है ट्रेड ऑफ। इकोनॉमिक्स में हमेशा ट्रेड ऑफ रहता है, मैंने बताया अभी आपको रिसोर्सेज स्केयर होते हैं, उस स्केयरसिटी की वजह से हमेशा यहाँ पे ट्रेड ऑफ है। अगर आपको किसी एक ऑप्शन को एक्सेप्ट करना है तो दूसरे को रिजेक्ट करना पड़ेगा। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि एक बच्चा है, उसने 12th पास की, उसको फैसला करना है कि आगे उसको एजुकेशन में जाना है, जॉब में जाना है, बिजनेस में जाना है, ट्रेड ऑफ है। अगर एजुकेशन में जा रहा है तो फिर वो जॉब में नहीं जा सकता, जॉब में जा रहा है एजुकेशन में नहीं जा सकता, तो एक ट्रेड ऑफ है। जो टाइम है, जो रिसोर्स है, वो लिमिटेड है, ठीक है, तो उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, इसलिए यहां पर क्या है, ट्रेड ऑफ है। अगर आप एजुकेशन बढ़ाएंगे तो अर्निंग घटा देंगे, अर्निंग बढ़ाना चाहेंगे तो एजुकेशन नहीं ले पाएंगे, ठीक है, तो एक ट्रेड ऑफ हमेशा रहेगा। देखिए आप जब पैसा आपके पास होता है, उस पैसे को आप कैसे खर्च कर सकते हैं। एक आदमी ने एग्जांपल दिया था, एक आदमी के पास 1 लाख रुपए, वो 1 लाख रुपए से ऐसा हो सकता है वो ये करे कि 1 लाख रुपए से वो घूमने चला जाए, चलो गोवा घूम के आते हैं, कैसीनो खेल के आते हैं, 1 लाख रुपए का जुआ खेलेंगे वहां जाके, ऐसा भी कर सकता है वो। उस 1 लाख रुपए से अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए भी कुछ फैसला कर सकता है। अगर वो पैसा अपने बच्चों के एजुकेशन पे खर्च करता है तो वो गोवा में जाके कैसीनो नहीं खेल सकता, और अगर गोवा में कैसीनो खेलने जाता है तो पैसा अपने बच्चों के एजुकेशन पे खर्च नहीं कर सकता, तो एक ट्रेड ऑफ है। ठीक है, तो इकोनॉमी में हमेशा ट्रेड ऑफ है, आप अपने रिसोर्स को किस जगह यूज करते हैं आपको फैसला करना है। दो पॉपुलर ट्रेड ऑफ की मैं बात करूंगा, एक है गन्स एंड बटर ट्रेड ऑफ। आप देखिए आजकल इंडिया पाकिस्तान में, आजकल के जब भी बच्चे लेक्चर सुन रहे होंगे, ये तो 70 साल से चल रही है टेंशन, तो एक टेंशन वाला माहौल है। वो भी पैसा खर्च कर रहे हैं कहां, क्यों, कहां पर, नए नए रॉकेट्स, मिसाइल्स, नए नए बम बनाते हैं, हम भी वही पैसा खर्च कर रहे हैं। उस पैसे को, अगर ये टेंशन ना होती तो उस पैसे को हम लोग कहां खर्च कर सकते थे, डेवलपमेंट के लिए। उस पैसे को खर्च कर सकते थे लोगों को फूड प्रोवाइड करने के लिए, उस पैसे को खर्च कर सकते थे लोगों को एजुकेशन देने के लिए, उस पैसे को लोगों के वेलफेयर में खर्च किया जा सकता था। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी भी जरूरी है, दोनों देशों को लगता है हमारी नेशनल सिक्योरिटी जरूरी है, तो दोनों से पैसा खर्च करते हैं। एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हम इसको कैसे देखते हैं, अगर हम वो पैसा गन्स पे खर्च कर रहे हैं तो फिर हम लोगों के वेलफेयर के साथ सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और अगर वो पैसा हम लोगों के वेलफेयर पे खर्च कर रहे हैं तो नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो एक ट्रेड ऑफ है। अगर हम नेशनल सिक्योरिटी पे ज्यादा पैसा खर्च करेंगे लोगों का वेलफेयर कम होगा, अगर लोगों के वेलफेयर पे ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो नेशनल सिक्योरिटी को हमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो एक ट्रेड ऑफ ये है हमारे सामने। ठीक है, दूसरा है इक्विटी एंड एफिशिएंसी ट्रेड ऑफ। इक्विटी एंड एफिशिएंसी, देखो आपको अपने, आपके सर ने, क्लास टीचर ने अपने क्लास का मॉनिटर बनाया, आप मॉनिटर बन जाओ लो जी, और बोला कि ये 500 रुपए हैं, ये 500 रुपए आपको ये 3 बच्चे इनमें बांटने हैं, 600 कर लेते हैं ताकि फ्रैक्शन आसानी से हो जाए, 600 रुपए आपके पास है 3 बच्चों में बांटने हैं, आपके लिए वो तीनों एकदम बराबर है, आपको कोई उनमें कोई ज्यादा पसंद कोई कम पसंद नहीं है। ठीक है, 600 रुपए 3 बच्चों में बांटने, कैसे बांटोगे, आपके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि आप चुपचाप जाओगे, बोलोगे 213 213 213, तुम भी खुश मैं भी खुश। दूसरा रास्ता क्या है, आप उनमें कंपटीशन कराते हो, और कंपटीशन करने में बोलते हो जो फर्स्ट आएगा उसको 300 रुपए दूंगा, जो सेकंड आएगा उसको 200 रुपए दूंगा, और जो थर्ड आएगा उसको 100 रुपए दूंगा। एक रास्ता क्या चुना आपने, जहां पे तीनों को आपने 200 रुपए बांट दिए। दूसरा रास्ता क्या चुना आपने, जहां पे कंपटीशन कराया और उस कंपटीशन में फर्स्ट आने वाले को ज्यादा पैसे दिए,
सेकंड थर्ड को कम, सेकंड को कम, थर्ड को और कम। तो जब फर्स्ट सिचुएशन थी वहां पे आपने इक्विटी का ध्यान रखा, एफिशिएंसी का ध्यान नहीं रखा कि कौन ज्यादा एफिशिएंट है। लेकिन जो सेकंड सिचुएशन है जहां आपने कंपटीशन कराया और वहां पे कंपटीशन के बेसिस पे आपने पैसे बांटे, वहां पर आपने एफिशिएंसी का ध्यान रखा, इक्विटी वहां पे आपका साथ छोड़ के चली गई। एक आदमी को 300 मिल रहे हैं, एक आदमी को 100 मिल रहे हैं। इक्विटी एफिशिएंसी में ट्रेड ऑफ है। सोसाइटी में अगर रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल होगा, एफिशिएंसी बैकसीट ले लेगी। अगर एफिशिएंटली होगा, इक्विटी बैकसीट ले लेगी। इक्विटी का मतलब क्या है? अगर सोसाइटी में इक्विटी नहीं होगी तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम होगी। आप देखते हैं जो दिल्ली शहर में रहते हैं वो इस बात को, या इंडिया के किसी बड़े शहर में रहते हैं वो इस बात को बड़े अच्छे से समझते हैं। हर एक पॉश कॉलोनी के सामने, ठीक उसके सामने एक स्लम बना हुआ है। पॉश कॉलोनी में जो लोग रहते हैं उनके बड़े बड़े घर हैं, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, हर कमरे में एसी लगा हुआ है और ना जाने क्या क्या फैसिलिटीज हैं। और उनके घर के ठीक सामने स्लम में जो लोग रहते हैं उनके पास कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई फैसिलिटी उनके पास नहीं है। उनके सर की जो छत है वो भी ऐसी है जहां बरसात में पानी टपकता है। एक इतना ग्रेट डिवीजन है, इतना बड़ा डिवीजन है इनकम का, ये इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है। लेकिन अगर सोसाइटी इक्वालिटी पे जाएगी, एफिशिएंटली जो एफिशिएंसी है वो बैकसीट ले लेगी, फिर हम हमारी जो ग्रोथ रेट है उसको हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। हम जो 7% 8% की ग्रोथ रेट का सपना देखते हैं उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे अगर हम इक्विटी की ज्यादा बात करेंगे। और अगर हम एफिशिएंसी की बात करेंगे तो हमें इक्विटी को बैकसीट पर रखना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट का यहाँ पे रोल है, हम आगे पब्लिक इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे थर्ड ईयर में जाकर, वहां इस बात को पढ़ेंगे गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट इस ट्रेड को किस नजर से देखती है, गवर्नमेंट इस ट्रेड के लिए क्या करती है कि एफिशिएंसी का भी बहुत नुकसान ना हो और इनइक्वालिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ ना जाए। इसको भी गवर्नमेंट स्टडी, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट अपने कुछ एक्शन लेती है। लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ये हमारे लिए मैटर ऑफ कंसर्न है कि अगर हम इक्विटी की बात करेंगे तो एफिशिएंसी छूट जाएगी, एफिशिएंसी की बात करेंगे इक्विटी छूट जाएगी। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है दैट यूजिंग द रिसोर्सेज इन बेस्ट पॉसिबल मैनर, रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज करना। और बेस्ट पॉसिबल मैनर का मतलब यह है कि वो आदमी जो एक रिसोर्स से ज्यादा बेहतर प्रोडक्शन कर सकता है उसको ज्यादा वैल्यू दी जाए, और जो उतना बेहतर प्रोडक्शन नहीं कर पाता उसको कम वैल्यू दी जाए। जो आदमी ज्यादा प्रोडक्टिविटी करता है उसको ज्यादा इनकम मिलेगी, जो कम प्रोडक्टिविटी करता है उसको कम इनकम मिलेगी। इक्विटी का मतलब यह है कि प्रोडक्टिविटी कुछ भी हो सबको बराबर इनकम मिलेगी। समझ गए बात, क्लियर है? आप चाहे तो एफिशिएंसी इक्विटी की डेफिनेशन लिख सकते हैं, मैं आपको डिक्टेट करा देता हूं। शायद मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने, हाँ लिखा तो, लेकिन फिर भी एक बार मैं स्पेसिफिकली आपको डिक्टेट कराता हूं, लिख लीजिए। एफिशिएंसी मींस दैट द रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, एफिशिएंसी मींस दैट द रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी आर यूज्ड इन बेस्ट पॉसिबल मैनर। एफिशिएंसी मींस दैट रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी आर यूज्ड इन बेस्ट पॉसिबल मैनर। जो रिसोर्सेज हैं हम उनको बेस्ट वे में यूज कर रहे हैं, उससे ज्यादा बेहतर कोई यूज नहीं हो सकता। हम आगे जाके एफिशिएंसी को एक और तरह से डिफाइन करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतनी डेफिनेशन, ठीक है? और इक्विटी का मतलब यह है, इक्विटी मींस दैट द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इज डिवाइडेड इक्वली अमंग द इंडिविजुअल्स। जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, जो इकोनॉमिक आउटपुट है, इकोनॉमिक आउटपुट इज डिवाइडेड इक्वली अमंग द इंडिविजुअल्स। जितने भी लोग हैं सब में बराबर बराबर आउटपुट बढ़ रहा है, 600 रुपए को आपने बराबर सब में बांट दिया, ठीक है जी? इक्विटी में आप समझ चुके हैं, इक्विटी होगा तो एफिशिएंसी को आपको, आप कॉम्पिटिशन कराएंगे तो तीनों तो बराबर नहीं आ जाएंगे ना, कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आएगा ही आएगा। तो उसमें अगर आप कॉम्पिटिशन की बात करेंगे, जब आप ये बात करेंगे कि कौन ज्यादा बेहतर है तो फिर सबको बराबर पैसा नहीं दे सकते, और अगर सबको बराबर दे रहे हैं तो कोई आदमी ज्यादा बेहतर काम क्यों करना चाहेगा? जब पता है बराबर ही मिलना है पैसा, तो ठीक है मैं भी ज्यादा एफिशिएंटली काम क्यों करूं, मैं भी आराम से काम करता हूं। फिर तो एफिशिएंसी इक्विटी में क्या है, ट्रेड ऑफ है। दूसरा प्रिंसिपल है बच्चों, इट इज अबाउट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप टू गेट इट। कुछ भी आपको पाना है, कहते लेन देन, कुछ पाना है तो कुछ खोना है, हर बात की एक कॉस्ट है। जरूरी नहीं है कि कॉस्ट आप मॉनेटरी टर्म में मेजर करते ही हो, कुछ कॉस्ट एक्सप्लिसिट है, कुछ कॉस्ट इम्प्लिसिट भी हैं, हर बात की कॉस्ट है। आप एक जगह, आपके पास एक शॉप है, उसको किराए पे दे सकते हैं, रेंट कमा सकते हैं, ठीक है? आप सोचते हैं मैं खुद ही दुकान चला लेता हूं, यहां पे रेंट पे क्यों दूं, मैं खुद दुकान चलाऊंगा। यहां पे आप दुकान चलाकर वहां से मान लीजिए 50,000 रुपीज पर मंथ अर्न कर रहे हैं,
अगर उस दुकान को आप रेंट पे देते 20,000 का आपका रेंट मिल जाता तो आपकी अर्निंग कितनी है वहां से? 30,000 की तो है, क्योंकि 20,000 तो आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना। तो अगर आपको कुछ पाना है तो बदले में कुछ खोना पड़ेगा, और जो खो रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ऑब्वियसली आपने बेस्ट ऑल्टरनेटिव चुना है, क्योंकि दुकान पे अपनी दुकान चलाने से आप 50,000 कमाते हैं और किराए पे देने से आप 20,000 कमाते हैं, तो 50,000 ज्यादा बड़ा नंबर है, तो आपने बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चुना है। लेकिन जो बदले में आपने खोया है वो नेक्स्ट बेस्ट है, सेकंड बेस्ट है, और वो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव से आपको बेनिफिट मिल सकता था, वो क्या है? इस डिसीजन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आप इकोनॉमिक्स का कोर्स करने कॉलेज में आए हैं, इसके बदले आप कहीं जॉब कर सकते थे। मान लीजिए आपको, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 40,000 महीने की आपको जॉब मिल सकती है, 40,000 रुपीज पर मंथ आप अर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 12th क्लास का एक स्टूडेंट जो है 12th पास करने के बाद 40,000 पर मंथ की जॉब उसको अगर मिल सकती है, तो एक साल के अंदर सर आप 4,80,000 रुपए कमा लेते, और 3 साल के अंदर कितना हो जाता? लगभग 15 लाख, 14 लाख, कुछ 14,60,000 के आसपास हो जाता, 14,40,000 रुपए, 14,40,000 रुपीज आप अर्न कर लेते कॉलेज में आने की वजह से, वो अर्निंग आपके हाथ से चली गई है। तो जो आप एजुकेशन ले रहे हैं उसकी वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। उसके अलावा और कॉस्ट तो है ही, जो आप यहां पर ट्यूशन फीस भर रहे हैं, जो आप बुक्स पे पैसा खर्च कर रहे हैं, या जो आप स्टडी मटेरियल पे पैसा खर्च कर रहे हैं, जो आप स्टेशनरी पैसा खर्च कर रहे हैं, और जो आप ट्रांसपोर्टेशन में पैसा खर्च कर रहे हैं, वो सब तो कॉस्ट है ही। उसके अलावा वो भी कॉस्ट है जो आप अर्न कर सकते थे, नहीं किया। इसका तो ये नहीं कि कॉलेज छोड़ के कल जॉब करने चले जाओ, ऐसा नहीं है। हम क्या फैसला करते हैं, हमारे लिए क्या बेस्ट है? आज वो 14 लाख रुपए सेक्रीफाइस करना सही है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का कोर्स कर लेने के बाद, इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेने के बाद, शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको 14 लाख पर एनएम की जॉब मिल जाए, जहां पे आप 3 साल में 14 लाख कमा रहे थे, वहां 1 साल में 14 लाख आप कमा सकते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है, उससे भी ज्यादा आपकी जॉब लग सकती है। तो आपने फैसला गलत नहीं किया, आपने सही फैसला किया है, लेकिन इस फैसले की एक कॉस्ट है, और वो क्या है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, और उसी को क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपका फैसला गलत नहीं है बच्चों, मगर उस फैसले की एक जो कॉस्ट है वो हम स्टडी कर रहे हैं। वो कॉस्ट क्या है, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट इज द बेनिफिट सेक्रीफाइज्ड व्हिच कुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव से बेनिफिट मिल सकता है, जिसको हमने सेक्रीफाइस कर दिया है, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो कुछ पाना है तो कुछ हमको खोना पड़ेगा ही, ठीक है। आपके पास 10,000 रुपए है, एक आदमी के पास 10,000 रुपए है, वो 10,000 रुपए से अपने बच्चों की स्कूल फीस भर देता है। उस 10,000 रुपए से वो कुछ और भी काम कर सकता था, उस 10,000 रुपए से अपने लिए नए कपड़े खरीद सकता था, लेकिन उसने अपने कपड़े ना खरीद के अपने बच्चों की स्कूल फीस भर दी 10,000 रुपए से, ठीक है। तो वो जो स्कूल फीस उसने भरी है, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, कि जो वो अपना बेनिफिट ले सकता था नए कपड़े पहनकर, ठीक है। ऑब्वियसली उसने फैसला सही किया, उसने फैसला गलत नहीं किया। उसके लिए बेस्ट यही था कि अगर उसके सामने ये विकल्प है कि बच्चों की फीस भरनी है और नए कपड़े खरीदने, तो ज्यादा बेहतर पहले ये है बच्चों की फीस भर दी जाए, ठीक है, क्योंकि उससे उनका भविष्य बनेगा। तो उसने बेस्ट ऑल्टरनेटिव ही चुना है, हम बेस्ट ही चुनते हैं, लेकिन जो सेकेंड बेस्ट है उससे जो बेनिफिट हम त्याग रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। वो दुकान चलाने वाला जो 50,000 कमा रहा है, उसने उसके लिए बेस्ट यही था कि 50,000 रुपए उसको नजर आ रहे हैं दुकान चलाने से, वो दुकान चलाएगा, लेकिन जो 20,000 रुपए का किराया वो सेक्रीफाइस कर रहा है, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। तो व्हेन यू गेट समथिंग यू हैव टू गिव अप समथिंग, टू गेट समथिंग यू हैव टू गिव अप समथिंग, एंड द बेनिफिट ऑफ व्हाट यू आर गिविंग अप इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो बेनिफिट जो आप गिव अप कर रहे हो, उससे बेनिफिट आपको मिल सकता था, वो आपकी क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप आपको मान लीजिए टीवी देखना पसंद है, टेलीविजन पसंद है आपको, कुछ लोगों को पसंद होता है भाई, उनके कुछ फेवरेट सीरियल्स होते हैं, कुछ फेवरेट शोज होते हैं, आजकल तो वेब सीरीज बहुत सारी आ गई हैं, तो आपको हो सकता है पसंद हो, उसको देखना पसंद हो। नेक्स्ट वीक आपके इंटरनल्स हैं, आपका एग्जाम होने वाला है। अब आपके पास कॉलेज से घर जाने के बाद, मान लीजिए आप थोड़ा रेस्ट भी करते हैं, और आपके पास 5 आवर्स का समय जो आप या तो पढ़ने में लगा सकते हैं या टीवी देखने में खर्च कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि बेस्ट यह है पढ़ाई की जाए, तो टीवी देखने से आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलता वो क्या है? इस पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और जिसको लगता है कि टीवी देखना बेस्ट है वो टीवी देखेगा ऑब्वियसली,
उसको फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, पढ़ने से जो मार्क्स मिलते हैं, उस मार्क्स से जो बेनिफिट मिलता, वो बेनिफिट जो छोड़ दिया उसने, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ने का फैसला किया, आप कॉमर्स भी तो पढ़ सकते थे, बीकॉम भी तो जाके एडमिशन ले सकते थे, आप मैथ्स ऑनर्स भी तो कर सकते थे, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ने का फैसला किया, तो इकोनॉमिक्स पढ़ने से आपको जो बेनिफिट मिल रहा है आपके लिए वो बेस्ट है। लेकिन कॉमर्स पढ़ने से जो मिलता, ऑब्वियसली आपको ऐसा लगता है कि वो सेकंड बेस्ट है, तो वो बेनिफिट आपने सेक्रीफाइस कर दिया, वो क्या है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो व्हेन यू गेट समथिंग यू हैव टू गिव अप समथिंग, एंड व्हेन व्हाटएवर यू आर गिविंग अप उसका जो बेनिफिट है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेनिफिट विच इज बीइंग गिवन अप एंड इट इज अ बेनिफिट फ्रॉम द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। समझ के बात क्लियर है? ठीक है जी। तीसरा प्रिंसिपल क्या है सर? प्रिंसिपल नंबर थ्री, प्रिंसिपल थ्री है रैशनल पीपल थिंक एट मार्जिन। रैशनल पीपल थिंक एट मार्जिन, पहली बात रैशनलिटी की बात क्या है, रैशनल मतलब क्या होता है? रैशनल वो लोग होते हैं जो सिस्टमेटिकली सोचते हैं, पर्पसफुली डिसीजन लेते हैं, हवा में तीर नहीं मारते, सिस्टमेटिकली प्लान करते हैं, सोचते हैं कि मेरे को ये काम करना है, इससे ये होगा, मुझे ये फायदा होगा, ठीक है, और मैं अगली बार इस स्टेज पे जाके खड़ा हो जाऊंगा। सिस्टमेटिकली वो चीजों को प्लान करके पर्पसफुली काम करते हैं, वो रैशनल लोग हैं। हम इकोनॉमिक्स में मानते हैं हर कोई रैशनल है, हम ये मानते हैं कि हर कोई सोच समझ के अपने बेनिफिट में काम कर रहा है। ठीक है, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं लेक्चर क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं लेक्चर इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, लोग इस लेक्चर को, बच्चे इस लेक्चर से पढ़ेंगे, उनको पसंद अगर आएगा तो शायद मुझे इंक्वायरी करेंगे, सर हमको आपसे पढ़ना है, और अगर हमको आपसे पढ़ना है तो बताइए अब आप क्या फीस चार्ज करेंगे। ठीक है जी, तो हर कोई अपने इंटरेस्ट में काम कर रहा है। बच्चा मुझे क्यों इंक्वायर करेगा पूछने के लिए? क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं ये लेक्चर सुन लेता हूं तो मेरे मार्क्स, मेरे ग्रेड बढ़ जाएंगे, मेरे ग्रेड में इंप्रूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, कोई भी आदमी जो वो काम कर रहा है वो अपने इंटरेस्ट में कर रहा है, और हर कोई क्योंकि अपने इंटरेस्ट में काम कर रहा है, इससे ही, इसी से सोसाइटी में सारे काम हो रहे हैं। जो काम कोई नहीं कर रहा होगा उसमें डिमांड होगी, वहां पर डिमांड होने से क्या होगा, वहां पर स्केर्सिटी होगी, स्केर्सिटी होगी उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियसली कुछ लोग ऐसे आएंगे जो सोचेंगे यहां पे इस फील्ड में काम करना वाले लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहां पर कम लोग हैं जो इस तरह के गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, वो अपने इंटरेस्ट में काम करेंगे। लेकिन उनके ऐसा काम करने से क्या होगा, उस गुड या सर्विस की सप्लाई भी अवेलेबल हो जाएगी। तो रैशनलिटी का मतलब यह है कि हर कोई सिस्टमेटिकली पर्पसफुली अपने इंटरेस्ट में काम करता है। ठीक है जी, रैशनल आदमी वो है जिसके सामने जो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं उनमें से उसके लिए जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसको चुनता है, अपने लिए बेस्ट को चुनता है। उसको इस बात की परवाह नहीं है कि मेरे एक रुपए कमाने से दूसरे को 10 का नुकसान होगा या 20 का नुकसान होगा। रैशनल आदमी वो है जो अपने एक रुपए को कमाएगा, दूसरे के लिए उसके एक रुपए के कमाने से दूसरे को 10 का नुकसान होगा या 20 का होगा इस बात की परवाह वो नहीं करता। ये रैशनलिटी है। एक सब्जेक्ट आएगा एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स का, वहां पर हम इस बात की चर्चा करेंगे कि रैशनलिटी कहां तक और कितने हद तक जरूरी है। ठीक है, फिलहाल हम बेसिक लेवल पे खड़े हैं। हमारे लिए रैशनल मतलब क्या है, वो आदमी जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम कर रहा है, वो आदमी जो अपने फायदे के लिए काम कर रहा है, वो आदमी उसके सामने बहुत सारे जो ऑल्टरनेटिव है उनमें से उस ऑल्टरनेटिव को चुनता है जो उसको सबसे ज्यादा यूटिलिटी, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। ठीक है, दूसरी बात मैंने क्या बोला, रैशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन। लोग मार्जिनल चेंज को देखते हैं, हम मार्जिनल चेंज की बात करते हैं। सोचिए सोचिए, मैं टीचर हूं, पढ़ाता हूं, बदले में फीस लेता हूं, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं आपको। मान लीजिए मैं क्लासरूम कोचिंग कर रहा हूं, मैं अगर जब मैंने पढ़ाना शुरू किया होगा, सोचो ऐसा नहीं पहले दिन मैंने अनाउंसमेंट किया और बाहर कतार लग गई, लाइन लगी बच्चों की, सर ने पढ़ाना शुरू कर दिया, चलो भाई सर से पढ़कर आते हैं। हो सकता है तब मुझे कोई जानता भी ना हो, किसी को पता भी ना हो कि आदमी पढ़ाता भी है, इसको इकोनॉमिक्स आती भी है। तो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मैंने सोचा कि मैं सपोज 5,000 रुपए एक बच्चे से चार्ज करूंगा। ठीक है, मान लो मेरी क्लास में दो बच्चे आके बैठ गए, मुझे क्या मिल रहा है सर, मुझे 10,000 रुपए मिल रहे हैं। क्लासरूम में मान लीजिए 20 बच्चे बैठ सकते हैं, मुझे 10,000 रुपए मिल रहा है। ठीक है, एक बच्चा आया तो बोले सर मैं ना आपको 5,000 रुपए नहीं दूंगा, मैं आपको 2,000 रुपए दूंगा। अब मुझे क्या सोचना है, देखिए मुझे सोचना यह है कि मैं आज की डेट में 10,000 रुपए कमा रहा हूं,
इस तीसरे बच्चे के बैठ जाने से क्लास के अंदर मेरे एफर्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा तब भी उतना ही एफर्ट रहेगा जितना अभी लग रहा है, मैं तो वही बोलूंगा, दो के साथ तीसरा भी सुन लेगा, बोर्ड पर वही लिखूंगा, उनके साथ तीसरा भी पढ़ लेगा, नोट कर लेगा, मेरा क्या एफर्ट एक्स्ट्रा लगा, कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे एडिशनल 2,000 रुपए मिल सकते हैं। मार्जिनल थिंकिंग ये कहती है कि मुझे उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मुझे उस ऑफर को एक्सेप्ट कर, मैंने लिखा है यहां पे, देखिए एग्जाम्पल बनाया हुआ है कि आप कोर्स ले रहे हैं, आपकी एवरेज कॉस्ट 1,000 रुपए आती है, लेकिन एवरेज कॉस्ट में आपने ये देख लिया कि अब 10 बच्चे आपके पास पढ़ रहे थे, एवरेज कॉस्ट 1,000 है, लेकिन अब एक एडिशन बच्चा लेते हैं, मैंने लिखा है यहां पर, एक एडिशन बच्चा लेने पर आपकी कॉस्ट में सिर्फ 50 रुपए का चेंज आता है। अभी आपके 10 बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं और आपका 10,000 रुपए कॉस्ट लग रही है, तो पर स्टूडेंट आपको 1,000 की कॉस्ट लग रही है। अब 11वां बच्चा जब आएगा तो आपकी एडिशनल कॉस्ट जो है वो 50 रुपए है, सिर्फ 50 रुपए और खर्च करने, एक नई चेयर लेकर आनी है आपको उसके लिए, बस 50 रुपए खर्च करने हैं। तो 11वें बच्चे से अगर 50 रुपए के बाद आपको 51 रुपए भी मिलेंगे, इफ यू गेट 51 रुपीज, इट इज बेनिफिशियल फॉर यू टू गेट द एडमिशन। ये मार्जिनल थिंकिंग है। 51 रुपीज लेने पर, अगर मिलने पर आपको उसके बाद गेन ही गेन है, जो भी 50-50 के ऊपर मिलेगा वो सब आपके लिए गेन है। मार्जिनल थिंकिंग कहती है कि 50 के ऊपर जो भी मिल रहा होगा एक रैशनल आदमी उसको एक्सेप्ट कर लेगा, मना नहीं करेगा। समझ गए? आपको एक गुड बनाकर बेचते हैं, आपको गुड बनाकर, मान लीजिए इनिशियली फिक्स कॉस्ट होती है, आपने मान लीजिए फैक्ट्री किराए पे ली, आपका 1,00,000 रुपए महीने का रेंट है, और 1,000 यूनिट्स बनाने पर आप 100 रुपए के यूनिट बेचते हैं, 1,000 यूनिट बनाते हैं तो आपको 1,00,000 रुपए का रेवेन्यू मिलता है। मान लेते हैं कॉस्ट आपकी जीरो है, मान लेते हैं कॉस्ट जीरो है, 1,000 यूनिट बनाने पर आपको 1,00,000 मिलते हैं, 1,00,000 की फिक्स कॉस्ट है जो आपको हर महीने किराया देना है, 1,00,000 आपके वहां खर्च हो गए। अब 1,00,000 के ऊपर जो भी यूनिट आपको बनाएंगे वो जितने की भी बिकेगी वो सब आपको बेनिफिट ही है। तो अगर वो 1 रुपए की बिके 1,00,000 के ऊपर तो भी 1 रुपए का आपको बेनिफिट है, 10 की बिके 10 बेनिफिट है, 20 की बिके 20 बेनिफिट है। तो मार्जिनल थिंकिंग का मतलब ये है कि लोग मार्जिन पे सोचते हैं कि मेरे को एडिशनल गेन क्या हो रहा है, एंड जब तक उनको कुछ एडिशनल गेन हो रहा होगा वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे, मना नहीं करेंगे। अगर एडिशनल गेन नहीं हो रहा होगा तो मना करेंगे। जैसे उसकी एक एडिशनल बच्चे की कॉस्ट 50 रुपए है, कोई बच्चा बोलेगा सर मैं 49 दूंगा तो मना करना बढ़िया है। क्यों? क्योंकि वहां पे 1 रुपए का नुकसान होगा, आपको 50 रुपीज खर्च करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट आपकी 50 रुपीज है एडिशनल कॉस्ट, और मार्जिनल रेवेन्यू, एडिशनल रेवेन्यू 49 रुपीज का, तो मना करना बढ़िया है। मार्जिनल कॉस्ट 50 रुपीज है, बच्चा कह रहा है 50 रुपए ही दूंगा, मार्जिनल रेवेन्यू 50 रुपीज है, अब आप मना करें या ना मना करें, ये आपका क्या हो गया? रिजर्वेशन प्राइस हो गया। ये 50 रुपए क्या हो गया? रिजर्वेशन प्राइस। इस 50 रुपए को लेने से आपको कोई फायदा नहीं है, ना लेने से कोई नुकसान नहीं है, इसको बोलते हैं क्या? रिजर्वेशन प्राइस। इसके ऊपर जो भी मिलेगा वो आपको फायदा ही देगा, वो आपको फायदा देगा, तो उसके ऊपर हर जो भी पैसा उसको मिल रहा होगा उसको एक्सेप्ट करना फायदेमंद है। ये मार्जिनल थिंकिंग है। तो रैशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन। समझ गए? क्लियर है? वी ऑलवेज कंपेयर द मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? एडिशनल रेवेन्यू, विद द मार्जिनल कॉस्ट। एंड इफ मार्जिनल रेवेन्यू या मार्जिनल बेनिफिट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, वी हैव टू एक्सेप्ट द ऑफर। ये मतलब है रैशनैलिटी का। समझे? क्लियर है? ये भी मैंने आपके साथ 2-3 प्रिंसिपल डिस्कस करें, हम एक क्लास और लगाएंगे जहां पे बाकी के प्रिंसिपल भी आपके साथ डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो होपफुली इतनी बात आप लोग समझ गए हैं, राइट? इसके आगे चलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है जी? ओके, थैंक यू।